तो लास्ट टाइम जो है वो मैंने कैलकुलेट की थी लोअर या अंडर डैम्पिंग, ठीक है। आज हमने जो है वो स्टडी के करना है इसका थर्ड केस जो है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। थर्ड केस है ये डैम्पिंग का, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो आपने जो इक्वेशन निकाली थी एक्स एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव ई की पावर माइनस बीटा टी, ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं e की पावर माइनस बी टू एम टी कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। इसमें जो बीटा है आपके पास वो बी ओवर टू एम के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि टू बीटा जो है वो बी ओवर एम के बराबर है। तो यहां पर जो ये टर्म है ये वाली टर्म जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एम ई की पावर माइनस बी ओवर टी जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है इसमें ये टर्म डैम्पिंग की टर्म जो है ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी जो है वो आ रही है। तो अगर हम इसको पुट करें इस टर्म को कि पुट एक्स एम ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी एक्स प्राइम एम के बराबर इसको ले लें, ठीक है। और ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम एम ओवर एक्स एम के बराबर जो है इसको राइट डाउन कर लें। तो अब ये टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच ऑसिलेशन जो है वो डाई आउट होगी। अब जाहिर बात है यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो ऑसिलेशन है आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वो आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो वो टाइम पीरियड के जिसके दौरान ऑसिलेशन डाई आउट होती हैं वो टाइम पीरियड बराबर है हमारे पास वन ओवर ई के ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है जी। यानी कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक्स प्राइम एम ओवर एक्स एम है, ये एक्स प्राइम एम ओवर एक्स एम जो है ये वन ओवर ई के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो बता रही है आपको कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ऑसिलेशन हैं वो डाई आउट हो रही है। तो इसका मतलब है कि मैं अब एक्स प्राइम ओवर एक्स एम की जगह पर वन ओवर वी, आपको पता है कि ई जो है हमेशा ये एक्सपोनेंशियली डिके, जब कोई चीज डिके कर रही होती है तो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो वन ओवर ई इज इक्वल टू टी के बराबर आ जाएगा, और यहां से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको आप उल्टा दें तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन जो है वो आ जाएगा, इसको उल्टा दें तो ई की पावर बी ओवर टू एम टी के बराबर आ जाएगा। इसके दोनों तरफ आप लॉग जो है इसके दोनों तरफ आप लॉग ले लें, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, और लॉग ऑफ ई जो है वो बराबर होता है आपके पास
वन के, लॉग ऑफ ई वन और ये इसको कैंसिल कर देगा तो बी ओवर टू एम टी के बराबर आ जाएगा। यहां पर टी जो है इसको मैं किसी टाइम टॉ से रिप्लेस कर देता हूं, तो वन इज इक्वल टू बी ओवर टू एम टॉ के बराबर आ जाएगा। तो टा हमारे पास क्या आ जाएगा, टा हमारे पास आ जाएगा टू एम ओवर बी। दिस इज द टाइम ऑफ ए डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्रिक्शन व्हेन इट्स ऑसिलेशंस आर डाइंग आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डाई आउट हो रही हैं। तो बी यहां पे कांस्टेंट है और ये बी कांस्टेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शन ऑफ एयर को। तो इसका मतलब है कि टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन ओवर बी के, यानी कि बी के साथ इसकी वेरिएशन होगी। अगर बी ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो फिर टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन अगर बी कम होगा तो फिर टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यहां से क्लियरली नजर आ रहा है, अगर हम कहें कि बी जो है दैट गोज टू जीरो इस इक्वेशन के अंदर, तो टा टू एम ओवर जीरो, तो एम ओवर जीरो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, टा इनफाइनाइट, यानी कि अगर आप फ्रिक्शन को खत्म कर दें तो वंस आपने अगर ऑसिलेटर को ऑसिलेशन दे दी है तो फिर वो फॉर एवर ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि उसकी ऑसिलेशन तो रुकेगी नहीं, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर बी को जीरो, बी जो है वो क्या है, दैट इज द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर, जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर बी जीरो हो जाए तो फिर टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि फिर वो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो वंस आपने उसको ऑसिलेशन दी तो उसके बाद वो स्टॉप नहीं होगा, वो मूव करता ही रहेगा। अच्छा, अब अगर हम एक और कंडीशन यहां पर लें कि इफ बी स्क्वेयर इज मच मच लेस देन इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि जो बी है वो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसके बराबर है, या बी जो है वो लेस देन है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। अगर ये कंडीशन हम ले लें तो बी की वैल्यू हमें पता है कि बी ओवर सॉरी बीटा स्क्वेयर होगा ये, तो बीटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है कि बराबर है बी ओवर टू एम का स्क्वेयर के लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता है कि के ओवर एम के बराबर होती है ओमेगा स्क्वेयर की। तो बी ओवर टू एम का स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू के ओवर एम यह आ जाएगा, और बी ओवर टू एम का स्क्वेयर इज इक्वल टू के ओवर एम के बराबर आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको लिखें कि b ओवर 2m दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो k ओवर m अंडर रूट के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से अब आप b की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो b इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट 2m उस तरफ चला जाएगा, 2m को अंदर ले आए तो 4m स्क्वायर k ओवर m अंडर रूट के, m m से काट जाएगा दो बार आएगा तो 2m k, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। ये b की वैल्यू अब टाइम पीरियड वाला जो फार्मूला है 2m ओवर b उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो 2m ओवर b की जगह पर 2m के अंडर रूट इसके बराबर आ जाएगा। दो दो से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, m m की पावर 1 बाई टू है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 ओवर 2 जो है वो 1 ओवर 2 के बराबर हो जाएगा। तो टा जो है हमारे पास टाइम पीरियड वो m ओवर k अंडर रूट के बराबर आ जाएगा।
तो आपके पास ओमेगा जो है वो के ओवर एम अंडर रूट के बराबर होती है। तो ओमेगा इनवर्स एम ओवर के अंडर रूट के बराबर होगा, लिहाजा टा जो है वो ओमेगा इनवर्स के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज, दिस इज कंडीशन ऑफ, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। ये जो है ये हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग की, ये जो इसका माइक ऑन है ना, इसका मैंने रोल नंबर नोट कर लिया, जो जिसका माइक ऑन है इसका रोल नंबर नोट हो चुका है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग की जो कंडीशन है वो आ जाएगी, और यहां से आप इस कंडीशन से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एक तो स्पिन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। अब तीनों केसेस जो हैं वो आपने डैम्पिंग के स्टडी करके देख ली हैं, ठीक है, जिसमें हमने लोअर डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग जो है उसको स्टडी किया है, क्रिटिकल डैम्पिंग को स्टडी किया है और हाई डैम्पिंग को स्टडी किया है। अब जिस तरह हमने एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसी तरह हमने अब एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करना है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की भी। एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की भी एनर्जी कैलकुलेट, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी तो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 1/2 mv² के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2 kx² के बराबर है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो xme^(b/2mt) cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ओमेगा प्राइम भी कह सकते हैं, ओमेगा भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क जो है वह नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलें हम ओमेगा प्राइम ही इसको कह देते हैं, ताकि क्योंकि हमने ओमेगा प्राइम जो है वो डैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी जो है उसको रखा हुआ है। तो अब आप पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 m वी की जगह पर dx/dt का स्क्वायर आएगा, यानी कि हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा इस टर्म का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। अब इसके अंदर जो है आप वैल्यू सब्सिट्यूट करें, xme^, इसका यानी कि dx/dt लें, तो इसका dx/dt लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा प्राइम xm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई माइनस bxm
टू एम ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी का स्क्वायर। ये मैंने इसके ऊपर यू वी फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो है वो लिया, ये ओमेगा प्राइम आ जाएगा, इधर भी ओमेगा प्राइम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका यू वी फॉर्म लगा के इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने ले लिया। अब आपने इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर जो है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन ओवर टू ओमेगा प्राइम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम ओवर फोर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। प्लस टू ओमेगा प्राइम एक्स एम साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव बी ओवर टू एम कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी जब आप इसका ओपन कर देंगे स्क्वायर जो है, तब हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर आप देखें कि अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लेंगे कि डैम्पिंग बहुत स्मॉल है और दूसरा हम इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्योंकि एवरेज है ना, क्योंकि बार बार आपका जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो जो एवरेज रूल है बाय एवरेज रूल, एवरेज रूल है उसके मुताबिक साइन स्क्वायर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव की एवरेज इज इक्वल टू वन ओवर टू, इसी तरह कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वन ओवर टू के बराबर होती है और साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव की एवरेज जो है वो जीरो के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एवरेज रूल, दिस इज नोन एज एवरेज रूल। और यहां पर हम एक और अजम्पशन भी लेंगे कि बी जो है दैट इज ऑलमोस्ट गोज टू जीरो। तो अब आप देखें कि इसके अंदर एक तो ये टर्म जो है ये वाली टर्म, क्योंकि इसकी एवरेज जब हम काइनेटिक एनर्जी की एवरेज ले लेंगे इधर तो इधर भी एवरेज आएगा, इधर भी एवरेज आएगा, इधर भी एवरेज, इधर भी एवरेज, ठीक है, यहां पर भी एवरेज, यहां पर भी एवरेज, इधर भी एवरेज, ये बदल। अब बी को आपने जीरो के बराबर ले लिया तो यहां पर टर्म है जो सर्वाइव करेंगी,
ये वाली टर्म जो है ये भी आपके पास उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सॉरी इधर ये नीचे जो है ये वाली टर्म जो है इसमें बी जीरो है तो ये भी जीरो के बराबर आ जाएगी, ये भी साइन की एवरेज कॉस की एवरेज वाली ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो पीछे आपके पास जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम साइन स्क्वेयर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी। ये हमारे पास टर्म जो है ये पीछे सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसके साथ भी यहाँ पर ही ओमेगा प्राइम का स्क्वेयर जो है वो आप लगा रहे, ये टर्म जो है ये सिर्फ सरवाइव करेगी, बाकी सारी टर्में जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि एवरेज भी जो है वो भी ज़ीरो के बराबर है और हमने बी को भी जो है वो ज़ीरो के बराबर लिया हुआ है, तो बाकी सारी टर्में जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो सरवाइव करेगी। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास इसको मैं अगर ओपन कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो 1/2 m एक्स स्क्वेयर एम ओमेगा प्राइम का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि एम ओमेगा प्राइम स्क्वेयर जो है ये के बराबर होता है, एम ओमेगा प्राइम का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू के। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमारे पास 1/2 k x² m e की पावर माइनस बी ओवर एम टी और साइन स्क्वेयर। अब साइन स्क्वेयर की एवरेज आई है एक्चुअली आपके पास, ये क्या है ये एवरेज है, तो ये एवरेज बराबर होती है 1/2 के। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज 1/4 k x² m e की पावर माइनस बी ओवर एम टी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो है वो मैं टी को 0 पुट कर दूं तो e की पावर माइनस 0 1 e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज मेरे पास 1/4 k x² m के बराबर जो है वो निकल आएगी। अब इसी तरह आपने ये तो काइनेटिक एनर्जी निकल आई, अब इसी तरह आपने पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पता है कि 1/2 k x² m के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 1/2 k अब x² x m e की पावर माइनस बी ओवर 2 m t एवरेज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का स्क्वेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 1/2 k x² m e की पावर माइनस बी ओवर एम टी एवरेज कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये भी आपको पता है कि 1/2 के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 1/2 k x² m 1/2 e की पावर माइनस बी ओवर एम टी। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज भी आपके पास 1/4
के एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी के बराबर निकल आएगा। तो यहाँ पर भी अगर टी को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जो है ये वन के बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एवरेज वन ओवर फोर के एक्स स्क्वायर एम के बराबर आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी वन ओवर फोर के एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी प्लस वन ओवर फोर के एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी की। तो यहां से आप इस कैल्शियम ले लें तो टोटल एनर्जी हमारे पास वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो निकल आएगी। अगर यहाँ पर हम टी को ज़ीरो पुट करें तो टी ज़ीरो के ऊपर ये टर्म जो है ये वन के बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये एनर्जी ई मेरे पास वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर एम ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी है। तो एट T इज इक्वल टू जीरो ये वन हो गए तो ये आ जाएगी E नॉट वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर एम। अब ये जो एक्चुअली ये E ऑफ T है क्योंकि इसमें T का फैक्टर आ रहा है टाइम पे डिपेंड कर, तो ये टर्म E नॉट के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर E ऑफ T इज इक्वल टू E नॉट E की पावर माइनस बी ओवर एम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी है, दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ई ऑफ टी इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी। ये हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो निकल आई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आज यहाँ पर फिर मैं इसको लेक्चर को एंड करता हूँ, बल्कि अभी नहीं एंड करता, चले एक और छोटी सी चीज़ इसके अंदर रह गई है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ क्या रह गई है, वो रह गई है क्वालिटी फैक्टर। Quality factor of damped harmonic oscillator. क्या आपका जो damped harmonic oscillator उसकी quality किस तरह की है, उसकी कितना अच्छा है वो। तो E of T जो है वो E naught E की power minus B over एम टी के बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो एम्पलीट्यूड है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जाहिर बात है जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, तो उस एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने के वजह से एनर्जी भी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी है, सो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का रेट ऑफ डिक्रीज है वो पी पावर है, यानी कि ई ओवर टी वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होती है, दैट इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। नेगेटिव का साइन इसलिए है कि डिक्रीज हो रहा है, तो पी माइनस डी ओवर डी टी, अंदर इसकी ई की वैल्यू रखे ई नॉट ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी, यह आपके पास आ जाएगा। यहां से आप इसका डेरिवेटिव लें तो बी ओवर एम माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी के बराबर ही आ जाएगा। अब ये ई नॉट ई की पावर माइनस बी ओवर एम टी किसके बराबर है, ये ई ऑफ टी के बराबर है। तो बी ओवर एम ई ऑफ
टी के बराबर आ जाएगा। ये पावर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि टा जो है हमारे पास वो 2m ओवर b के बराबर होता है, तो टा ओवर 2m ओवर b के बराबर होगा और 2 ओवर टा जो है वो b ओवर m के बराबर होगा। तो मैं ये इक्वेशन जो है इसको यहाँ पर राइट कर सकता हूँ कि b ओवर m की जगह पर p वैल्यू रखूँ 2 ओवर टा e ऑफ t। तो मेरे पास जो e ऑफ t ओवर p ऑफ t जो है इज इक्वल टू टा ओवर 2 के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब मैं इसकी एवरेज ले लेता हूं, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है, क्योंकि यहां पर तो आप एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे ना, बार बार ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एवरेज ही आएगी, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब क्वालिटी फैक्टर जो है इसका वो क्या है, ये तो आपने रेशो निकाली एनर्जी और पावर की, इसका क्वालिटी फैक्टर जो है क्यू दैट इज इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड, जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ऑसिलेटर के अंदर, डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनर्जी इन वन पीरियड, और एक पीरियड के अंदर जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि जितनी स्टोर, जाहिर बात है जब फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उतनी देर तक तो उसके ऊपर एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, लेकिन जो ही फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट करेगी तो फ्रिक्शन के एक्ट करने के बाद एनर्जी जो है वो डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T, अब ये आ जाएगा E ऑफ T एवरेज P ऑफ T एवरेज। तो यहां पर 2 पाई ओवर T आपको पता है ओमेगा के बराबर है और E एवरेज ये आपने निकाला है टा ओवर 2 के बराबर, और ओमेगा आपको पता है कि बराबर होता है के ओवर एम के, और टा बराबर होता है 2 बी ओवर एम के। तो ये वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास ओमेगा की जगह पर के ओवर एम और 2m ओवर 2b, 2 से कट गया तो q आ जाएगा आपके पास, m को इसके अंदर ले आए तो b k m स्क्वायर ओवर m, ये m m से कट जाएगा तो q जो है वो b k m अंडर रूट के बराबर आ जाएगा, ओवर बी के बराबर आएगा। सॉरी, ये 1/20 के साथ आएगा डॉट, तो के एम अंडर रूट ओवर बी, यानी कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b के। बी ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, बी कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो फिर डैम्पिंग ज्यादा होगी, जब डैम्पिंग ज्यादा होगी तो आपका छह हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, उसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो जल्दी डाई आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर बी कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगी और ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस हैं वो जल्दी डाई आउट नहीं होंगी। तो लिहाजा फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक अच्छा ऑसिलेटर है जिसका जो स्मूदली जब वो वाइब्रेट कर रहा है विदाउट द फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन ऑफ एयर के बगैर। अब कल जो है वो मैं आपको इसमें फोर्स्ड ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा उसकी, लेकिन मैं नहीं करूंगा डेरिवेशन नहीं करूंगा, ये लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, लेकिन उसमें आपको रेजोनेंस और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर
मूव अहेड कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लेक्चर जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ।